ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 साल तो अपने सहुरे घर सुखी वसदी औरत दा परिवार उस वेले खेरू खेरू हो गया जदों ओह परिवार एक तांत्रिक बाबे दे अड़के चढ़ गया। तांत्रिक बाबे मगर लग के सहुरे परिवार वालों पीड़ित नीतू अरोड़ा नू ना सिर्फ घर विच बंदी बनाया गया बल्कि उसकी कुटमार भी की गई। 8 महीने तो अपने पेके घर रह रही नीतू अरोड़ा दे उस वेले होश उड़ गया जदों उन्हूं पता लगा कि उसकी दराणी ने आत्म हत्या कर ली है। इस आत्म हत्या के नोट के दराणी वालों नीतू नू ही दोषी ठहराया गया जो कि 8 महीने तो अपने पेके घर रह रही है। नीतू अरोड़ा के हक विच नितरदियां सिख जथेबंदियां ने उसनू इंसाफ देने की मांग की है। मेरे ते एक झूठा परचा दर्ज होया है, मेरी दराणी ने सुसाइड की है जिथे जिस दे विच मेरा कोई हाथ नहीं है, पर मेरे ते इन्हां ने झूठा परचा दर्ज कर दिता है। चक्कर दिन रात जुलम करते मारते कुटते मैं 1 साल पूरा बंदी बना के रखे हुआ घर। मेरा विआह जनवरी 2000 च होया है ते मैं वापस आई हाँ 6 अक्टूबर 2021 च। इन्ने साल मतलब तुसी किद्दां फिर कट्टे जां उदों सही सीगे बाद विच एवें होए की होया? पूरे 20 साल बहुत वधिया रहे ने, जदों इह किसे बाबे दे कोल जाणा शुरू कीता है उदों उहनां ने इहनां दी बुद्धि खराब कीती है ते घर नूं पूरा बर्बाद कर दित्ता है। तुहाडे वल्लों भी मामले दर्ज करवाए गए जिन्हां दे परिवार? हांजी, मेरे वल्लों भी मामले जब कराए गए है क्योंकि इन्हां ने मेरे नाल बहुत, क्योंकि इन्हां ने मैनूं धमकियां ही इन्नियां कु ज़्यादा दे दित्तियां सीगियां कि मैनूं मजबूरी वश बाहर आ के मामले दर्ज करवाने पए। मेरे वालों तो बस ओदो ही मामले दर्ज कराए गए कि इन्हां उत्ते कार्रवाई की जाए जिहड़ा इन्हां नूं 1 साल पूरा कुटमार की बंदी बना के रखी है। यही सारे 6 मैंबर पर परचा दर्ज करवाया गया सी। इंसाफ ना मिलिया तो मैं भी यही सोच के रखी है कि मैं अपनी थाना सिटी के सामने जाके अपनी सुसाइड करांगी। जेडे मैनू तंग परेशान कर रहे ने, मैनू झूठे परचियां च फसा रहे ने, मैं उन्हां दा नाम लैके लाइव वीडियो पा के ते मैं भी थाना सिटी दे सामने सुसाइड करा। जो तुहाडे ते जुल्म हुंदे सी उहदे चिट्ठियां वगैरह भी लिखियां सी? हां जी, मैं पूरिया हर रोज एक एक दिन दी चिट्ठियां लिखियां होईयां। ये चिट्ठियां अंत विच हार के जदों जुल्मां दी पूरी तरह हद हो गई ते मैं सारियां चिट्ठियां अपने भरावां तक पहुंचाईयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मामला एक इत्थे हिंदू परिवार की लड़की, अज तो मैं 8 महीने पहलों को मैनू लिखती शिकायत मिली सी परिवार की, तो मैं पुलिस प्रशासन SSP में मिल के और SP प्रेशन नाल DSP सिटी नाल नाल लेडी इंस्पैक्टर ड्यूटी ला के इन घर चो छुड़ा के इंदा चेकअप कराया हस्पताल च, तो उन्होंने दोषियों खिलाफ़ परचा दर्ज कराया सारिया के। फिर हुण एक कड़ी गल हुई है भी पिछले दिन मैं पता लगा फोन आया परिवार का भी कहिंदे उन्होंने साढ़े तक 306 का परचा दर्ज कराता है, जो कि वह केस में 8 महीने हो गए परचा दर्ज है इनू, तो 6 महीने हो गए उन्हें इनकुआरी कंप्लीट हुई नूं, पर हजे तक उनका चलान टूकोड नहीं किया। पहला कड़ा परचा दर्ज कराया 498 का। फिर प्रशासन की इन्नी यानी ढेला, तो असी अज फिरोजपुर के सिविल प्रशासन तो पुलिस प्रशासन तो पंजाब सरकार तो मैं इस चीज़ की मांग करदा इस परिवार को पूरी तरह इंसाफ मिले। लड़की कड़ी अज खून के अथरू रो रही आ, पहले तो 1 साल आपके सहुरे परिवार ने शिद्दत किया, घर कुटमार कराई, खाद्या भुखी तरई अंदर दिन कट्टे कि दस रही तुम्हें दस्या है। फिर इन्हें बेचारी ने 300 को चिट्ठिया लिख के बाहर भेजिया, तो असी कार्रवाई करा के बाहर लिया, पर चलान ना टूकट होने दे एक झूठी कहानी बना के 306 का परचा दर्ज करता है। इनू पता भी नहीं बेचारी अपने पेके परिवार के घर रह के कपड़े सी के गुजारा कर रही थी। पर हुण मैं प्रशासन तो यही मांग करदा जे तो असली दोषी ने कि लड़की सुसाइड कि उन्हें दुखी हुए किया है,
उन्होंने कार्रवाई की जाए जो ना की तो सारे पंजाब के जथेबंदियां मेरे नाल एक नूर खालसा फौज इंटरनेशनल पंथक दल सिख स्टूडेंट फैडरेशन मेहता होर सिख जथेबंदियां नुमाइंदे बैठे ने सारे ने पंजाब दियां जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां ने समाज सेवी जथेबंदियां ने जिहड़ियां समाज का काम करदियां ने समाज के भलाई उन्होंने अपील करांगा जिस दिन फिरोजपुर शहर च काल देंगा सारे अपना साथ दे के इस कड़ी मजबूर लड़की का आपां सारिआं ने भाई इहदा दुखियारी का आपां साथ देना है ते इहनूं इंसाफ दवाउणा है। बिल्कुल मिले एस एच नूं उस दिन ही मिले जाके मेरे नाल होर भी कोई आदमी गए सी फिर कहिंदा उहने पहलों कहा भी कहिंदा भी इहने ना खून ते गल कीती कोई लम्मा चिर बाद में कहिंदे घरे गई है उदू बाद जदों एफ आई आर दर्ज हुई ना तो घर का जिक्र आया तो ना ही वह फोन का जिक्र आया है। बाद एस एस पी फिरोजपुर ने मिल के एक इनकुआरी भी दी है जो कि डी एस पी सिटी विरक को आ चुकी आ फिर उन सारे प्रशासन को कहेंगे इन्होंने बनती कानूनी इनकुआरी करके उस परिवार से कड़ी बनती कार्रवाई की जी कि झूठे केस दोबारा फसाने की कोशिश की आ नहीं सू मजबूर ने व्डा संघर्ष बढ़ना पेगा फिरोजपुर से जी। मेरा नाम लखबीर सिंह हालम गुरु ग्रंथ सत्कार कमेटी सरप्रस्त पंजाब।